झारखंड में राज्यसभा चुनाव ने एक नया राजनीतिक चैप्टर खोल दिया है। राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस को देकर जेएमएम ने दूर की गोटी चली है। हेमंत सोरेन ने इस दांव के जरिए गठबंधन में अपने को प्रोजेक्ट करा दिया है। चुनावी राजनीति में फिलहाल पस्त कांग्रेस ने भी कमान जेएमएम को आसानी से सौंप दी। इधर जेएमएम ने इस सियासी दावपेच में बाबूलाल मरांडी का भी रास्ता काट दिया। बाबूलाल को बैकफुट पर भेज दिया गया है। प्रदेश की राजनीति में हेमंत ये संदेश देने में सफल रहे हैं कि वो यूपीए के नेता हैं। इधर जेवीएम भी अपनी साख बचाने के लिए गठबंधन के पक्ष में है, लेकिन हेमंत को प्रोजेक्ट कर चुनाव लड़ने से परहेज कर रहा है। जेवीएम के अंदर खाने की बात यह है कि जेएमएम के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का मतलब है बाबूलाल का राजनीतिक कद घटेगा। लिहाजा बाबूलाल अभी वेट एंड वॉच के मूड में है। वो खुलकर जामुमो के खिलाफ या गठबंधन के वर्तमान खाका पर सवाल उठने से परहेज कर रहे हैं। कांग्रेस आला कमान के एक खेमा से बाबूलाल मरांडी की बेहतर रिश्ते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि गठबंधन में कांग्रेस के कई नेता बाबूलाल को भी लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस को एक मजबूत कड़ी की भी जरूरत है। बाबूलाल को आगे करने पर जेएमएम बिदक सकता है। ऐसे में जेएमएम पहली पसंद बनकर उभरा है। वर्तमान राजनीतिक हालात के बीच कांग्रेस आला कमान के साथ बाबूलाल की बातचीत हो सकती है, लेकिन ये साफ है कि जेवीएम नेता जेएमएम की सरपरस्ती में चुनाव लड़कर शायद ही अपने सियासी कद से समझौता करें। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।